जय हिंद दोस्तों, यूट्यूबर विवेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त विवेक। तो कैसे हो आप लोग, आई होप सभी मजे कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मुस्लिम समुदाय लोगों के अंदर एक काफ़ी अच्छी बातें हैं जो कि अपने अल्लाह पे कुछ ज़्यादा ही भरोसा करते हैं। तो उनमें से ही एक लोगों का हमारे पास वीडियो आया है जो कि कुछ ज़्यादा ही भरोसा करते हैं। तो उनमें से एक लोगों का हमारे पास वीडियो आया है, तो उस वीडियो में उन्होंने मास्क का मजाक उड़ाते हुए बोला कि कपड़ों के इन टुकड़ों पे क्या भरोसा रखना है तो उस ऊपर वाले पे रखो। तो देखा दोस्तों आपने, देखने के बाद तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि यह कितने बड़े सच्चे मुसलमान हैं। जहां दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद इनकी एक और वीडियो आई है जो हमारे सामने आई है, जिस वीडियो में ये अपने लिए दुआओं की भीख मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि किस लिए दुआओं की भीख मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, वो मैं खुद नहीं बताऊँगा, आप वीडियो देख लीजिए, आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, मेरे भाई प्लीज़ अपना सपोर्ट हमेशा मेरे ऊपर रखना। मैं आज से वीडियो नहीं डाल पाऊंगा टिकटॉक पे, क्योंकि डॉक्टरों ने मुझे कोरोना बताया है कि कोरोना वायरस हो गया मुझे। ठीक है मेरे भाई, सपोर्ट रखना और अपनी अपनी दुआ करना मेरे। देखा दोस्तों आपने, वीडियो देखने के बाद तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, अगर ये भाई साहब के वीडियोस पे अगर 1.5 लाख लाइक आते तो इसका मतलब 10 से 20 लाख लोग इस वीडियो को देखे। अगर 10 से 20 लाख लोग, अगर 10,000 लोग भी इसकी बातों को फॉलो करते हैं, अगर बिना मास्क लगाते हैं, उनमें से 5,000 लोग को भी कोरोना होने के चांस है। अगर 5,000 लोग को भी कोरोना होता है ना, तो ये 125 करोड़ के देशवासियों को चंद सेकेंड में मिटा सकते हैं। तो आप लोग ऐसे ऐसे सन के लोगों के वीडियो को से दूर ही रहें, और न जाने आप लोग के पास भी कैसे दिमाग है कि आप लोग इन सब वीडियोस को लाइक करके बूस्ट में भगा देते हो कि यह सब वीडियो वायरल हो जाते हैं। बाकी की जितने भी चीज़ें आप लोगों के हाथ में, किसको आगे बढ़ाना है, किसको डुबाना है, किसको सही है, कौन गलत है, ये हम नहीं होते फैसला करने वाले। हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों को आप तक बात पहुंचाना। अब आपका कर्तव्य है कि उसको क्या सही है क्या गलत है। और रह गई इस वीडियो का मकसद, इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि ऐसे ऐसे चूतियों का वीडियो देख के आप लोग उत्साह बढ़ा लीजिएगा कि आप लोग भी बिना कपड़ों के, मतलब बिना मास्क के घूमने लगो। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, मास्क लगाइए। मास्क का भी उतना कर्तव्य नहीं है, मास्क भी उतना पूरा नहीं करेगा। जब तक आप लोग घर में नहीं रहेंगे तब तक आप लोग कोरोना वायरस से नहीं बच सकते। अब ना जाने दिन प्रतिदिन केसेस बढ़े जा रहे हैं। क्यों बढ़े जा रहे हैं? क्योंकि कोई मानता ही नहीं घर से बाहर निकले बिना। घर से बाहर तो लोग निकले जा रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर में बने रहें। घर में अगर बने रहेंगे तो 100% चांसेस है कि कोरोना वायरस आप तक नहीं पहुँच पाएगा। और कुछ जो मिजाजी सनकी लोग हैं उन्हीं की वजह से कोरोना वायरस फैल रहा है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग अपना सुरक्षा आपके हाथ में है। बाकी कि मैं कौन होता हूँ, मैं तो अपना सुरक्षा देखे जा रहा हूँ, बाकी आप अपना देखिए। तो आइए, वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं बोलता। और हाँ, वीडियो को शेयर करो, कोरोना वायरस से भी तेज़ी में इस वीडियो को फैलाओ। कोरोना वायरस से लगभग अभी 50% लोगों को है, या फिर 40% लोगों को हुआ है, या फिर उससे भी कम परसेंट लोगों को हुआ है, लेकिन यह वीडियो पूरा 100% लोगों तक पहुँचाओ, ताकि सभी को हमारी बातों को पता लगे कि कोरोना वायरस कितना ख़तरनाक है और इससे कैसे बचा जा सकता है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। तो बाकी की बातें मैंने आपको बता ही दिया। तो बाय, टेक केयर।